वेलकम टू अध्यापन आज की वीडियो में हम जनवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में देखेंगे तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है किस कंट्री ने पीथ्री मूवमेंट दैट इज प्रो प्लेनेट पीपल मूवमेंट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेवस एजेंडा ट्वेंटी में प्रपोज किया ऑप्शन हैं यूएसए रशिया इंडिया और यूके तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पी थ्री मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया एट दिस डेविस एजेंडा। एक वर्चुअल समिट थी जिसमें वर्ल्ड के लीडर्स ने और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के हेड्स ने पार्टिसिपेट किया और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर डिस्कशन रहे क्लाइमेट एक्शन पेंडेमिक रिकवरी एंड सोशियो इकोनॉमिक रेजिलियंस नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम वन प्रोग्राम किस स्टेट का इनिशिएटिव है आंध्र प्रदेश कर्नाटका तमिलनाडु और ओडिशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज कर्नाटका कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने क्राम वन प्रोग्राम को 12 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया है इसके अंडर 30,000 थाउजेंड वन सर्विस सेंटर्स ओपन किए गए हैं जिनका पर्पस गवर्नमेंट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फिनिटी ब्रिज किस कंट्री में लोकेटेड है रशिया यूएई इजराइल और सिंगापुर तो इन्फिनिटी ब्रिज दुबई में यानी कि यूएई में है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर ड्रामा अवॉर्ड एट गोल्डन ग्लोब्स 2022 ट्वेंटी टू द पावर ऑफ अ डॉग किंग रिचर्ड बेलफास्ट और कोडा सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज द पावर ऑफ अ डॉग देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द यूवीसी टेक्नोलॉजी फॉर डिस इनफेक्शन आई मद्रास सी एस आई आर बी ए आर सी और डी आर डी ओ द आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज सी एस आई आर विच स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सी एस आई आर की एक ब्रांच है सी एस आई ओ दैट इज सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और सी एस आई ओ ने ही यू बी सी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी फिफ्थ नेशनल यूथ फेस्टिवल किस स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट किया गया महाराष्ट्र पुडुचेरी गोवा और असम। द आंसर इज ऑप्शन बी पुडुचेरी नेशनल यूथ फेस्टिवल को 12 जनवरी यानी कि स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया गया इसकी आ, थीम थी सक्षम युवा सशक्त युवा नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी वन फोर्टीन सिक्सटीन और ट्वेंटी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज जनवरी सिक्सटीन और इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वॉट इज द एम ऑफ सार प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट जियो स्पेशल मैपिंग और क्लाइमेट चेंज अवेयर है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टूवर्ड्स ज्वाइंट सॉरी टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और कुछ लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री का इस प्रोग्राम के अंडर स्मार्ट सिटी मिशन के लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स की डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमिश्योर जो कि इंडिया की पहली आरटीपीसीआर किट है टू डिटेक्ट ओमिक्रोन वेरिएंट इसे किस कंपनी ने डेवलप किया है टाटा एमडी पीरामल करेक्ट आंसर तो है टाटा एमडी टाटा एमडी ने इसे आईसीएमआरशिप में डेवलप किया है फर्स्ट टाइम इन नागालैंड ऑप्शन है क्लाउडेड लैपर्ड मार्बल स्नो लेपर्ड और ऑसिलोट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दट इज क्लाउडेड लैपर्ड क्लाउडेड लेपर जनरली लो एलिवेशन में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है लेकिन पहली बार इसे नागालैंड में यानी कि ऑलमोस्ट थर्टी सेवन हंड्रेड मीटर के एल्टीट्यूड पर पाया गया विच फुटबॉल लीजेंड स्टेच्यू हैज बीन अनवेल्ड इन पंजी गोवा सुनील छेत्री बाइचुंग भोटिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी सो द आंसर इज ऑप्शन सी Cristiano Ronaldo he is a Portuguese football legend and this statue has been unveiled to motivate the younger generation towards sports next question is which country has recently purchased twenty five Chinese j10c fighter jets Afghanistan Pakistan Sri Lanka or Bangladesh answer is Pakistan and Pakistan claims that these jets are an alternative to Rafale fighter jets owned by India, and India has procured these uh, Rafale, Jitter, Jitter fighter jets, sorry, Rafale fighter jets from France. SMILE scheme is to be implemented by which union ministry? Ministry of Education, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Social Justice and Empowerment, or Ministry of Rural Development? फर्स्ट ऑफ ऑल स्माइल स्टैंड्स फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज इस स्कीम के अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन और बेगर्स के वेलफेयर के लिए प्रोविजन इंक्लूड किए गए हैं रिहैबिलिटेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, काउंसलिंग एजुकेशन और स्किल डिवेलपमेंट ये सभी चीजें स्कीम में इंक्लूड की जाएंगी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट देन विच इंस्टीट्यूशन रिलीज कनेक्टिंग द डॉट्स प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड द प्लेनेटरी इमरजेंसी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यू एन एनवायरमेंट प्रोग्राम एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एमनेस्टी इंटरनेशनल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी how the movement which was seen in the news is based at which country? yemen, syria, qatar, iraq. the correct answer is option a, that is yemen. mana-uru manabari program is implemented in which state? i'm very sorry for the wrong pronunciation. the options are odisha, telangana, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल इसका सही आंसर है तेलंगाना इस स्कीम के अंडर स्टेट में जितने भी स्कूल्स हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट और इफेक्टिव बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा विच स्टेट अपेक्टेड द फोर एंग्लो अबोर वॉर्स बिटवीन 1858 एंड 1912 इन इट्स रिपब्लिक डे टैब्लू मेघालय अरुणाचल प्रदेश गोवा और उत्तराखंड so अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स uh, के बारे में हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का रहा रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट पे मेघालय का था विमेन लेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे हरियाणा का सेवरल स्पोर्ट्समैन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन 2021 यूएसए चाइना नीदरलैंड जर्मनी आंसर इज ए यूएसए इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में 11.11 बिलियन यूएस डॉलर रहा जिसमें टॉप कंट्रीज थी फर्स्ट वाज यूएसए फर्स्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन वाज यूएसए विच अकाउंटेडीन परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट देन देन वाज वाज यूएई एंड थर्ड चाइना कंट्री इज द फर्स्ट टू सक्सेसफुली इंडियाफुल्डक्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग चाइना रशिया यूएसए और यूके एंड दिस प्रोसेस Is also termed as xenotransplantation. Okay, so the answer for this is option C that is USA. USA, mein, University of Maryland Medical Center, ke doctors, they successfully conduct. Kiya. Then the last question for today's video is Hyderabad declaration, which was seen in the news, is associated with. Climate change, e governance, women empowerment, or COVID 19 protocol? The answer is option B, that is e governance. And this declaration was adopted at the 24th National Conference on e governance at Hyderabad and hence the name Hyderabad Declaration. That was all for today's video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो so मच